तो गाइस देखिए, ये मम्मी हो रही है, मम्मी भी हो गई है तैयार, मायरा मीशा भी हो गया है तैयार। तो हम अभी जा रहे हैं ऋषिकेश, बड़ी मौसी का फोन आया था तो अभी हम जा रहे हैं। बड़ी मौसी चल रही थी थोड़ा घूमने के लिए, तो उनका फोन आया था, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग भी चलो। तो बस अभी हम रेडी हो रहे हैं, और बच्चों के हैं भी टाइम, देख सकते हैं 1:45 होने वाले हैं, और बस अभी लंच भी नहीं हुआ हमारा। हमने कहा चलो चल लेते हैं, तो दीदी का फोन आया था, वो यहीं आ रही है गाड़ी लेके। तो चलिए फिर आगे हम आपको ऋषिकेश का ब्लॉग दिखाते हैं आज, तो बनिए रहेगा ब्लॉग में, फिर मिलते हैं आपको। मीशा मायरा भी हो गई रेडी, ये देखो मायरा निशा। हम निकल चुके हैं अब ऋषिकेश की ओर, और बैठ चुके हैं हम गाड़ी में। ये है अर्षित, मायरा और ये रही सिस्टर, ये रही निशा। हेलो बाबू, तो देखते हैं कहाँ तक चलती है हमारी ये टूर। और आगे बैठे हैं दीदी की बहू जो है, और उनके बेटे। चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, संडे एंजॉय कर रहे हैं। आज हम संडे जा रहे हैं, और अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पे धूप भी आती है। तो बस देखते हैं आज ऋषिकेश में क्या क्या ब्लॉग बनता है, आज ऋषिकेश का कहाँ कहाँ तक जाते हैं हम। वैसे तो हम अभी वैसे ही निकले हैं, हमें कहा चलो चलते हैं। चलिए देखिए अभी कितना क्लीन लग रहा है ना, वो दिखाओ ना, बोटिंग कर रहे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं, ये मारते हैं राफ्टिंग, राफ्टिंग तो चल रही है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे राम झूला में, और ये है ऋषिकेश में एंट्री कर ली है। और इस टाइम इतने मतलब भीड़ भाड़ भी नहीं थी, क्योंकि वेदर एकदम, अभी जैसे हम पहुँचे थे तो बारिश, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, धूप भी आ रही थी, और दो एक साथ रेनबो भी निकले थे, तो इतना अच्छा लग रहा था व्यू यहाँ का। और मतलब जब ऐसा होता है कि धूप भी बारिश भी, तो अच्छा लगता है। और इस टाइम बारिश भी होने लग गई थी जब हम चल रहे थे, और मीशा मायरा फर्स्ट टाइम इसमें चल रही थी, तो उनको ये लग रहा था मम्मी ये हिल रहा, मम्मी झूल रहा, मम्मी ये टूटने वाला है, तो उनको डर भी लग रहा था, लेकिन एंजॉय भी बच्चों ने खूब किया। तो बस यहाँ से बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो हम जल्दी जल्दी भाग भाग के हमने इसको क्रॉस किया, और फिर हम उस साइड जाएंगे गंगा घाट में। और इस टाइम पानी इतना अच्छा क्लीन हो रखा है ना, साफ़ सुथरा सा पानी, और ज़्यादा मतलब पानी भी नहीं था इस टाइम, ठीक था, राफ्टिंग वगैरह भी कर रहे थे लोग। तो ये देखिए हम पहुँच गए थे गंगा घाट में, तो यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे थे, कोई मछलियों को खाना खिला रहा था, कोई एंजॉय सेल्फी ले रहा था, मतलब सब अपने अपने एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वेदर भी खुल गया था। तो बस दीदी भी अपनी सेल्फी वगैरह लेने शुरू कर दी थी, और बच्चे भी अपना एंजॉय करने लग गए थे। और ये रेत है यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब बैठ के नंगे नंगे पैर भी चलो तो बहुत अच्छा लग रहा था।
यहाँ का नज़ारा भी इतना अच्छा लग रहा था, शांत मन कर रहा था यहीं रुक जाओ मतलब, पर ये होता है कि घर तो जाना ही है। तो बस बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, इनको मैंने कहा चलो, बच्चे ये है कि फ़ोटो फोटो खिंचाने में थोड़ा वो करते हैं, और यहाँ पर दोनों ये दोनों भी अपनी फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो इतना अच्छा व्यू देखिए, अब देखने में इतना प्यारा लग रहा था, और जब हम कल गए थे तो बड़ा इन्जॉय किया हमने वहाँ पर। और बच्चे यहाँ पर मतलब ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं मम्मी हमें घर नहीं जाना, यहीं रहेंगे। तो ये देखिए हर्षित मिशा मायरा, तो ये फ़ोटो खिंचाने के लिए तो ये आ नहीं रहे थे, मैंने कहा चलो वीडियो बन रही तो खड़े तो हो जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इनको ये था कि बस पकड़े ना कोई हमें इधर उधर जाने दे, क्योंकि खूब बड़ा एरिया है, खूब बच्चों के लिए खूब स्पेस है। ये है दीदी, ये इनकी बहू बेटे, तो चलिए इंजॉय करते हैं हम भी। शाम के टाइम है, और जब हम निकल रहे थे मतलब गंगा घाट से, तो ये यहाँ की मार्केट है छोटी मोटी जो ये रामझूला के रास्ते में पड़ती हैं। और बस यहाँ पर यही है कि आजकल तो विंटर की चीज़ें हैं जैसे स्टॉल वगैरह, और ये देखिए ये डेकोरेशन के आइटम होती हैं जैसे गणेश है, यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ की मार्केट भी बहुत अच्छी है। तो बस ये रास्ते में पड़ती है गंगा घाट के रामझूला के पास, और ये शाम का टाइम है तो सब लाइटें वगैरह ऑन हो गई थी, तो इस टाइम इतना अच्छा व्यू लग रहा था, मतलब शाम को देखने का नज़ारा होता है क्योंकि आरती का टाइम भी होता है। और ये देखिए रामझूला में लाइटिंग वगैरह भी है ये, तो इस टाइम बड़ा अच्छा लग रहा था शाम को देखने में। तो लेकिन घर जाने का टाइम है क्योंकि मौसम भी ख़राब, वेदर चेंज हो गया था एकदम से। क्या कर रही हो, बंद रही हो मम्मी शमायरा? बात करो बोलो, बात करो, बताओ सबको दिखाओ ना, दूर से दिखाओ, बोलो क्या लिए? हमने डॉल लिए है। क्या लिया है? डॉल लिए? अच्छा कहाँ से लिया, आज कहाँ आए हो आप घूमने? बोतल में खाना खाने आए, बोतल में खाना खाने आए, बोतल में खाना खाना आए हैं क्या? अच्छा, तो बस शाम को हम टहलने के बाद हम यहाँ गए थे, हम घर निकल रहे थे, तो बस थोड़ी देर के लिए हम रेस्टोरेंट में आ गए थे बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने, क्योंकि छोटी मोटी भूख तो बच्चों को लगी जाती है, तो बच्चों को भूख यही रहती है चाउमीन मोमो की, बस उन्होंने कहा हमें चाउमीन मोमो ही खाने हैं, तो इसलिए हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आ गए थे। तो बस उन्होंने ये कहा, मीशा तो खाती भी नहीं, मायरा थोड़ा सा खा लेती आराम से, लेकिन मीशा खाती नहीं है, बच्चों ने वैसे भी कुटुर पुटुर चाट पकौड़ी वगैरह ये खा लिए थे। तो ये फ्राइड मोमो है, ये हर्षित की फरमाइश थी कि इसको फ्राइड मोमो खाने हैं, और मीशा मायरा की फरमाइश थी जो नूडल्स की, तो उनके नूडल्स आएंगे। तो चलिए बस आप ये इसको फिनिश करने के बाद हम निकलेंगे घर की ओर, क्योंकि टाइम भी 7:15 का हो गया था, तो बस अब निकलते हैं हम घर की ओर। तो ये बच्चों ने कर लिया अपना फिनिश, तो हम पहुंच गए हैं घर, और आधा घंटा हो चुका है मुझे घर में आए हुए, बस सब्जी मैंने छौंक ली है, तो आज बनाए हैं मैंने सूखे आलू, ये बना दिए सूखे आलू, फटाफट बनने वाली यही सब्जी होती है जो जल्दी से बन जाती है। और बस बच्चे 8:30 हो चुके हैं, बच्चों को भी सुलाना है, तो बस डिनर वगैरह बनाती हूँ उनके लिए,
क्योंकि अभी बच्चे थक गए हैं, वो थकान लग गई है और इन्जॉय खूब करा बच्चों ने। तो बस ये था, बच्चों के साथ में ज़्यादा वीडियो शोर नहीं कर पाते क्योंकि बच्चों को पकड़ देखना भी होता है बाहर जाते हैं, तो फिर छोटे हैं ना दोनों के दोनों, तो इधर उधर भागते हैं तो फिर देखना पड़ता है, इसलिए वीडियो ज़्यादा शोर नहीं हो पाता है, पर जितना भी बनता है मैं बना देती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, आई होप आप इन्जॉय करेंगे, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।